हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, क्लास 10 के मैथ का अध्याय 2, ठीक है। जो अध्याय 2 चैप्टर का नाम है वो है बहुपद। क्या है बहुपद? बहुपद का प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 2.3। इससे पहले का हमने पढ़ा दिया है और ये पार्ट नंबर है 5, ठीक है। अगर उसके पहले का वीडियो आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो सवाल दिया है प्रश्नावली 2.3 का, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी ये कहा है कि ये दो बहुपद दिया है ना, एक ये, तो पहले वाले का दूसरे वाले में भाग देकर हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये बहुपद, पहला बहुपद है, ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये करेंगे ना कि सवाल को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल यही था ना कि टी स्क्वायर माइनस 3, तो हमें भाग देकर जांच करना है। तो पहले हम भाग देंगे, ठीक है। इसमें 2t/4 प्लस 3t/3 माइनस 2t/2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि पहला बहुपद जो ये वाला बहुपद है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए अगर हम लोगों का शेषफल 0 आ गया, ठीक है, अगर इसको हम लोगों को भाग देने पर शेषफल कितना आ गया, 0, तो हमसे ये समझ जाएंगे कि जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का क्या है, ये पहला बहुपद है जो ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो अब चलिए देते हैं भाग, भाग देने के लिए देखिए यहाँ पर है टी स्क्वायर और यहाँ पर है टी फोर। देखिए पहले तो यहाँ टी स्क्वायर हमको टी फोर लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है, तभी ना पहला वाला कटेगा। तो पहला वाला कटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो टी का फोर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर 2 है, क्या है, यहाँ पर है 2, तो जब यहाँ पर 2 है तो 2 को भी तो कटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हो गया यहाँ 2t², तो 2t² से जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो होगा 2t/4। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 2t² का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 2, देखो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो होगा 6, ठीक है, और यहाँ टी स्क्वायर है तो सीधे टी स्क्वायर उतार दीजिए। अब क्या करेंगे ना कि अब होता है कि माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस, यानी चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। देखिए यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे ना कि देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए ये 3x/3 है, अब ये 6x/2 है, तो पहले तो घात बराबर नहीं है ना, तो इस ऊपर वाले घात को उतार लेंगे, तो क्या है 3 2/3, ठीक है। अब नीचे वाला जो है यहाँ घात कितना है 2, तो ऊपर वाले भी मिलाएंगे, क्या ऊपर वाले में भी घात 2 है, तो देखिए ऊपर वाले में भी घात 2 वाला है, तो हम इससे कंपेयर ना करके इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +6, यहाँ पर कितना है +6, यहाँ पर कितना है -2। तब बताइए +6 में से -2 गया कितना बचा, +6 में से -2 गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचेगा +4, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला उतार देंगे, एक और अच्छा उतार देंगे, और इसको भी उतार दीजिए, सीधी सीधी बात सारा उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए पाला कटाना है हम लोगों को, जब पाला कटाना है हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 है ना, तो सबसे पहले कि 3 लेंगे। अब देखिए पहले यहाँ पर हम लोग को प्लस लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिए प्लस, उसके बाद यहाँ 3 है ना, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, तभी ना 3 होगा। अब देखिए यहाँ t/3 है, यहाँ कितना है, यहाँ है t/2, तो
अगर हम टी से गुणा करेंगे तभी ना टी पका थ्री होगा। अब देखिए कितना हो गया 3t, तो 3t का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t पका 3। अब देखिए प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और 3t का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 3 के कितना हो जाएगा 9, और ये टी है तो ये हो जाएगा टी। अब देखिए माइ चेन एक्सचेंज होगा तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। देखिए इससे ये कट गया, अब देखिए 90 माइनस में और 90 प्लस में ये भी कट गया। तो अब बचा का, अब ऊपर बचा 4t² - 12। कितना बचा? 4t² - 12। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर है टी स्क्वायर, यहाँ पर भी है टी स्क्वायर, तो हमें तो टी स्क्वायर लेना नहीं है। अब क्या करेंगे ना, पहले यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे प्लस। अब देखिए 4 है ना, अगर 4 यहाँ भी 4 से हम गुणा कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 जब लेंगे तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 4t² यही 4 का फिर इसमें भी गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। अब करेंगे चिन एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे चिन एक्सचेंज। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, दोनों कट गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल कितना हो गया 0। लिखेंगे शेषफल 0 है, अतः यह स्पष्ट है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। पहला सवाल लग गया, पहला सवाल में क्या किए, भाग दिए, भाग देने पर शेषफल कितना आ गया 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर सवाल दिया है, x² + 3x + 1 का भाग देना है 3x² + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। इतना में हम लोगों को भाग देना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या है, पहले वाले को कटाना। तो देखिए यहाँ पर है x² और यहाँ पर है x4, तो हमें सिंपल सी बात है x² लेंगे तभी ना x² और x² का गुणा करेंगे तो x^4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर हम 3 से यहाँ पर भी मिला दें तो 3 से गुणा करने पर यहाँ इतना आ जाएगा ना। अब चलिए इसका इसमें गुणा करें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x^4। अब इसका फिर इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और देखिए 1x यहाँ है, 2x यहाँ है, तो यहाँ x 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3x² का अब इसमें करेंगे तो प्लस 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह एक्सचेंज कर देंगे सबका। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब देखिए ये कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 5x² में से जब -9x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4x³ बचेगा, ठीक है। जब 5x³ में से -9x³ घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4x³। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ -7x² है, यहाँ -3x² है, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा -10x². अब इस दोनों को उतार लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, उतार लेंगे। इस दोनों को उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस से गुणा करनी है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सिंपल सी बात है अगर यहाँ 4 से गुणा करें तभी ना 4 आएगा,
अब देखिए यहाँ यक्स क्यूब है, यहाँ यक्स स्क्वायर, तो अगर एक यक्स इसमें और गुणा कर दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक यक्स और गुणा कर देंगे। अब देखिए बन गया, अब इसका गुणा हम लोग इसमें करें तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये चार यक्स है ना, तो इस चार यक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना होगा, चार एक्स क्यूब होगा। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। चार यक्स को गुणा करें में तीन यक्स में, तो बारह यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि जो माइनस है और प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। चार यक्स गुणा एक में करेंगे तो कितना होगा, चार एक्स ही होगा। अब क्या करेंगे, चीन एक्सचेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए कितना बचा, अब देखिए यहाँ पर बचा हम लोगों का कितना बचा, दस एक्स स्क्वायर और प्लस बारह एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बच गया टू एक्स स्क्वायर, कितना हो गया। और देखिए टू यक्स और प्लस चार यक्स कितना हो गया, छः यक्स, और प्लस यहाँ है टू। अब देखिए यहाँ है यक्स स्क्वायर और यहाँ है टू यक्स स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है हम प्लस टू बार में ले जाएंगे, तो प्लस टू का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, टू यक्स स्क्वायर प्लस टू का थ्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स यक्स, प्लस यही टू का एक में करेंगे तो कितना होगा, टू। अब क्या करेंगे, अब चिन एक्सचेंज कर देंगे, जब हम लोग चिन एक्सचेंज करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, जीरो। हम लिखेंगे कि शेषफल जीरो है, शेषफल जीरो है या शून्य है, अतः यह स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। शेषफल जीरो हो गया तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि शेषफल शून्य है, अतः यह स्पष्ट है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग कि तीसरा नंबर सवाल क्या का है। तो तीसरा नंबर सवाल कहा था कि एक्स क्यूब का भाग देना है माइनस थ्री एक्स प्लस वन में, ठीक है, किस ना एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस वन का भाग देना था एक्स पे फाइव माइनस फोर एक्स पे क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में, ठीक है। देखिए भाग देते हैं, ठीक है, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर है एक्स फाइव, यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर है एक्स फाइव, तो अब क्या करेंगे कि सोचिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो एक्स पर थ्री और एक्स पर टू एक्स पर फाइव हो जाएगा ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर फाइव, और देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर का भाग देंगे गुणा करेंगे इसमें थ्री एक्स में तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स पर क्यूब हो जाएगा, और फिर ये प्लस है तो प्लस उतार देंगे, एक्स स्क्वायर को फिर वन में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चिन्ह एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, चिन्ह एक्सचेंज कर दिए, देखिए ये कट गया और ये कट गया, ये दोनों कट गया, बचा का हम लोगों का देखिए चार एक्स क्यूब यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में थ्री एक्स क्यूब है, तो घटेगा तो होगा माइनस एक्स क्यूब, और इसे उतार दीजिए प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो सिंपल सी बात माइनस ले जाएंगे, और यहाँ पर एक्स क्यूब है यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो हम सिंपल सी बात एक बार में ले जाएंगे, तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो पहले देखिए माइनस है तो प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा एक्स क्यूब, माइनस है यहाँ पर माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, एक का गुणा करेंगे थ्री एक्स में तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स, अब माइनस है तो माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस, और एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना होगा एक, ठीक है। अब चेंज यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया,
यहाँ कितना बच गया, दो। कितना बच गया, दो। देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य हुआ नहीं ना, चूंकि लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, अतः यहाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो ठीक है, देखिए हमने दूसरा सवाल का तीनों नंबर सवाल लगा दिया, ठीक है, प्रश्न नंबर टू का तीनों सवाल हमने लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।